स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। गुजरात के मोरबी में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। मोरबी में कच्छू नदी पर बना पुल अचानक से टूट गया, जिससे पुल पर मौजूद लोग नीचे नदी में गिरे। जिस वक्त पुल टूटा उस समय उस पुल पर करीब 400 लोग थे। हैरानी की बात तो यह है कि पुल की मरम्मत का काम 5 दिन पहले ही पूरा हुआ था। ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન જે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે, ગુજરાત કે મોરબી મેં મોત કા પુલ, પુલ ટૂટા ઓર નદી મેં સમા ગયે સેંકડો લોગ। गुजरात की मोरबी में मच्छू नदी पर बना ये पुल कल कई लोगों के लिए मौत का पुल बन गया। रविवार शाम जब लोग इस पुल पर घूमने के लिए पहुंचे तो अचानक ये टूट गया, जिससे उस पर मौजूद कई लोग नीचे बहकर मच्छू नदी में डूब गए। पुल के टूटते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पीड़ितों की मदद के लिए वहां पहुंच गए। पुल टूटने की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर मेडिकल और पुलिस की टीम पहुंच गई। लोगों को बचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गंभीरता से हम ले रहे हैं, इसलिए गंभीरता से ले रहे हैं कि जो हुआ है दुखद हुआ है, जो बना बना दुखद हुआ, जो मालूम पड़ा तुरंत पूरा तंत्र इधर आ गया है, उसको बचाव कार्य अभी चल रहा है। अभी तक 60 से ज्यादा डेड बॉडी मिला है, उसमें से बच्चों लोग ज्यादा है, महिला और वृद्ध, बाकी को बचा लिया है। जो बचाने वाला था सबको बचा लिया है, वो बाकी कोई नहीं है पड़ा हुआ। डेड बॉडी ढूंढने के लिए NDRF का टीम है, फायर ब्रिगेड वाला है, बोट वाला है, प्राइवेट तरवैया भी है। सिंचाई डिपार्टमेंट ना मशीनरी आ गई है, जो पानी बाहर निकाल देंगे तो बाद में मालूम पड़ेगा कितना डेड बॉडी अंदर है। बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस पर करीब 400 लोग मौजूद थे और पुल टूटने का एक बड़ा कारण क्षमता से ज्यादा लोगों का वहां होना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही CM भूपेंद्र पटेल ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और मोरबी के लिए निकल गए। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके तात्कालिक मोरबी पहुंचे। मोरबी पहुंच के मुख्यमंत्री जी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल का निरीक्षण करके हॉस्पिटल में दर्दियों को मिले, परिजनों को मिले, और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने सबको सूचना दी है। जिस प्रकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दर्दियों को सरकार द्वारा एडमिट किया गया है, उसकी सभी प्रकार की देखभाल सरकार द्वारा की जाएगी। उधर घायलों को लेकर एक के बाद एक एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने लगी। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था, कोई अपनों को खोज रहा था तो कोई अपनों के इलाज के लिए डॉक्टर को तलाश रहा था। अस्पताल में हर